हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल सिद्धार्थ लाइव पर। जैसे कि आप लोग देख रहे हो हमारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, आप लोगों का बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है हमारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस को। ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए, हम आपके लिए अच्छे अच्छे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस लाते रहेंगे। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको किस IIT के बारे में जानना है, किस IIT का किस ब्रांच का इंटरव्यू को देखना है, तो आपके लिए हर टाइप के इंटरव्यू को लाया जाएगा, ना कि सिर्फ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, किसी भी ब्रांच का। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा इंटरव्यू चाहिए, किस IIT का चाहिए, हम आपके लिए लेकर आएंगे। साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं, हम अलग अलग कॉलेजेस के रिव्यू करने वाले हैं, वो चाहे कोई NIT हो, चाहे कोई IIT हो, चाहे कोई ही अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी हो, हम उनके रिव्यूज़ करने वाले हैं, लोगों को बताने वाले हैं कि वहाँ पर जनरली क्या पैकेज प्लेसमेंट रहता है, कैसी स्ट्रेंथ है, क्या फ़ीस वगैरह है, किस कोर्स के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं। आप हमें बताइए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए लेकर आएंगे वो सारे डिटेल्स को। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ IIT जोधपुर के अपने M.TECH प्लस PhD ड्यूल डिग्री का एक्सपीरियंस का। एक और लो गेट स्कोर में मैंने एक इंटरव्यू दिया था, दैट इज़ IIT जोधपुर M.TECH प्लस PhD ड्यूल डिग्री कोर्स। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस कोर्स में क्या कैसा रहा था। और देखिए, पहले मैं इस कोर्स की खासियत बता देता हूँ, IIT जोधपुर की खासियत बता देता हूँ। IIT जोधपुर हमारा राजस्थान में पड़ता है और ये करीब IIT जोधपुर शहर से 28 किलोमीटर दूर बना हुआ है। ये इंटरव्यू मैंने M.TECH प्लस PhD में दिया था, तो M.TECH प्लस PhD में लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन रहते हैं कि ये कैसा होगा, कितने साल का ड्यूरेशन रहता है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको सिंपली बता दूं, लोगों का ये भी मानना है कि M.TECH में लोगों को 12,500 स्टाइपेंड मिलेगा, फिर जब वो PhD में जाएंगे तो उन्हें 31,000 स्टाइपेंड मिलेगा। बट IIT जोधपुर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर IITs। आई नो दिस IIT इज एस्टैब्लिश्ड इन 2008 and also I can say you the NIRF ranking is 53, but IIT is always an IIT, उस पर कभी भी NIRF ranking में मत जाइए, IIT ही रहने वाला है। तो IIT का comparison आप किसी भी normal अच्छी NIRF ranking वाले किसी भी private institution से नहीं कर सकते हैं। IIT अपने आप में IIT का ही रीज़नों के वजह, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वहाँ पर तैयार नहीं हुआ इतने अच्छे से। एक बहुत बड़ा NIRF ranking में उसमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है, बट आशा करता हूँ मैं आपको 3-4 साल में आपको यही NIRF रैंकिंग 53 से आपको 15 के अराउंड या 10 के अराउंड कहीं देखने को मिलेगी। IIT जोधपुर की एक हाईली प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन बना हुआ है 580 एकड़ कैंपस में। और आपको बताता हूँ अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के बारे में, ड्यूल डिग्री के बारे में स्मॉल सा बता देता हूँ। ड्यूल डिग्री इज़ अ कोर्स दे कंडक्ट इन डिफरेंट ब्रांचेज, ऑल्सो इन मैकेनिकल दे कंडक्ट इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, मशीन डिज़ाइन एंड थर्मो फ्लूइड। आई अप्लाइड इन थर्मो फ्लूइड्स और आपको M.TECH प्लस PhD में 31,000 स्टाइपमेंट फॉर फर्स्ट टू ईयर, और फर्स्ट थ्री, अगर नेक्स्ट थ्री ईयर आपको 35,000 स्टाइपमेंट मिलता है। तो आपको थ्रू आउट दिस कोर्स मिलेगा, आपको अपना M.TECH में भी यही स्टाइपमेंट मिलेगा। और आप अपने M.TECH को बीच में लीव नहीं कर सकते कि आप सोचें M.TECH करने के बाद PhD को लीव कर दें और 2 साल में आपको M.TECH की डिग्री मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आशा, मतलब एक बहुत अच्छा कोर्स है। वहाँ से एक नॉर्मल किसी पुरानी IIT से PhD करना और यहाँ से एक M.TECH प्लस PhD ड्यूल डिग्री करना काफ़ी बेटर है, तो मुझे भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगा ये। अब मैं आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। मेरा इंटरव्यू, मैं पैनल में 4 टीचर थे, एक टीचर था जो जनरली मुझसे, एक प्रोफेसर थे जो जनरली मुझसे नॉर्मल लाइक ऑफ इनफॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे थे, और दूसरे प्रोफेसर्स को कनेक्ट करने में वो हेल्प कर रहे थे। बाकी जो 3 प्रोफेसर्स थे वो हाईली फ्रॉम द वो कोर क्वेश्चंस पूछ रहे थे, कोर मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्योंकि बिकॉज इंटरव्यू इज़ ऑन थर्मो फ्लूइड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लिखे गए थे तो मैंने लिख लिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो जनरली मुझे हर इंटरव्यू में देखने को मिला है, ऑलमोस्ट जनरली इंटरव्यूज में मुझे देखने को मिला है। तो आपको बता दूँ, पहला क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसमें मैंने अपना जनरल इंटरव्यू बताया, मैं आपको बता चुका हूँ कि जनरल इंटरव्यू में आप अपने टेक्निकल को ज़्यादा दीजिए कि आपने समन ट्रेनिंग कहाँ से की, बीटेक प्रोजेक्ट कहाँ से किया, 10th 12th में परसेंटेज क्या थे, ब्रांच क्या थी, कॉलेज क्या था, ना कि आप मेरी हॉबी क्या है, इन सब पे मत जाकर थोड़ा टेक्निकल में जाइए और एक टेक्निकल में ब्रीफ सा उन्हें इंटरव्यू दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने एक मुझसे क्वेश्चन पूछा, वाई M.TECH प्लस PhD नॉट अदर M.TECH। तो मैंने उन्हें M.TECH प्लस PhD बताया, वो अपना अपना होता है, चॉइसेस होते हैं, क्योंकि मुझे PhD भी करना था, तो अपने पर्सपेक्टिव रीजन से मुझे ऐसा लगा कि एक M.TECH प्लस PhD एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है एक अच्छे IIT से। और ऐसा कुछ न्यूली IIT भी नहीं है, 2008 में खुला है, काफ़ी टाइम हो गया है, आई थिंक 12 साल किसी IIT को होने जा रहा है, कोई नया IIT नहीं है। तो ये एक मेरा पर्सनल रीज़न था, ये सबका अपना अपना अलग ओपिनियन हो सकता है M.TECH प्लस। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने और भी किसी IITs में अप्लाई किया हुआ है,
तो मैंने उन्हें सही ट्रूली मैं बताऊँ मैंने उन्हें सब बता दिया कि मैंने इसे IIT में अप्लाई किया, यहाँ से मुझे कॉल आया, यहाँ से मैंने इंटरव्यू दिया है, मैंने सब कुछ उन्हें फेयरली बता दिया। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि वॉट इज़ योर BTECH प्रोजेक्ट। तो मैंने अपने BTECH प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब किया, उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा ना पूछकर थोड़ा बहुत पूछा कि कैसे काम करता है वगैरह, वर्किंग वगैरह क्या है, तो मैंने उन्हें वो बता दिया। उसके बाद उन्होंने एक बहुत उसी पे सब क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या सब्जेक्ट्स में आप कंफर्टेबल है। तो मैंने उन्हें बताया सर आप मुझसे मैं थर्मो फ्लूड्स का मुझे थर्मल साइड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप मुझे थर्मो फ्लूड्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो उन्होंने थर्मो फ्लूड का इंटरव्यू स्टार्ट करा तो उन्होंने बोला कि मैं क्या आपसे थर्मो डायनमिक्स के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो मैंने बोला यस कॉस सर आप थर्मो डायनमिक्स के क्वेश्चन पूछ सकते हो। ही ट्रांसफर्ड द इंटरव्यू टू द वन मैम, ही वॉज कंटिन्यूसली आस्किंग मी सिंपल क्वेश्चन ऑफ अ थर्मो डायनमिक्स लाइक फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ स्टेटमेंट्स और वॉट इज़ थर्ड लॉ एंड स्पेस सम एंट्रोपी, वॉट इज एंट्रोपी जनरेशन रिलेटेड टू द बेसिक थर्मोडाइनमिक्स। दे आर सी वॉज जनरली आस्किंग अ बेसिक थर्मोडाइनमिक्स। आफ्टर दैट सी स्टार्टेड टेलिंग मी के शुड आई आस्क यू सम क्वेश्चन फ्रॉम द हीट ट्रांसफर, सो आई सेड यस। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कौन से टॉपिक में कंफर्टेबल, तो मैंने कहा सर आप मैम आप पूछ सकते हो कुछ भी पूछ सकते हो। तो उन्होंने हीट एक्सचेंजर से स्टार्ट किया, तो उन्होंने बोला व्हाट इज हीट एक्सचेंजर, व्हाट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, वर्किंग कैसी होती है, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर क्या होता है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर क्या होता है, ड्रॉ द डायग्राम्स। एक्चुअली मैं आपको ट्रूली बताऊँ तो मुझे दो ही इंटरव्यू में अभी तक कुछ पेपर में वर्क करना पड़ा था, बाकी ओरली इंटरव्यू मेरा जा रहा था। तो एक उन्होंने हीट एक्सचेंजर का डायग्राम वगैरह बनाया, मैंने उसे बताया। उसके बाद ही सी ट्रांसफर इंटरव्यू टू द अनदर सर, ही वॉज ऑल्सो आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ हीट ट्रांसफर लाइक अ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर वगैरह से। उन्होंने मुझसे कई क्वेश्चन पूछे, कई क्वेश्चन उन्होंने रेज किए और जितना मुझे आ सकता था मैंने उन्हें सब सारे क्वेश्चन बताने का ट्राई किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो एक्चुअली मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छा इंटरव्यू था जहाँ पे मुझसे इनफॉर्मल फॉर्मल हर तरीके की चीज़ें पूछी गई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो मैंने बताया सर रिन्यूएबल एनर्जी। तो उन्होंने बोला आपको रिन्यूएबल एनर्जी में काम करना है या रिन्यूएबल फ्यूल्स में काम करना है, तो मैंने कहा सर रिन्यूएबल एनर्जी में काम करना है। तो उसके बाद फिर इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, फिर उन्होंने वही बेसिक क्वेश्चंस रिन्यूएबल के स्मॉल क्वेश्चंस कि क्यों रिन्यूएबल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ही वाज आस्किंग मी अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ द रिलेटेड टू द माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, नॉट लाइक बहुत ज़्यादा डीप में जाकर उन्होंने मुझसे बेसिक पूछा। तो इतना ही मेरा एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस की एक जर्नी थी जो मैंने IIT जोधपुर के, तो अराउंड करीब मेरा 35 to 40 मिनट्स का एक इंटरव्यू था। जनरली लोगों से काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा ही था, जनरली लोगों को जितना स्लॉटेड टाइम था, एक्चुअली उन्होंने स्लॉटेड टाइम तो 15 ही मिनट दिया हुआ था, हर बच्चे का स्लॉट 15 मिनट का था, बट मेरा इंटरव्यू 38 मिनट का गया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक अच्छी जर्नी रही, काफ़ी अच्छा लगा टीचर से इंटरेक्ट करके, बहुत ही अच्छा उनका बिहेवियर था, बहुत ही अच्छा उनका नेचर था, बहुत ही कुछ मुझे सीखने को भी मिला और बहुत कुछ जानने को मिला। तो ये मेरी IIT जोधपुर की इंटरव्यू एक्सपीरियंस की जर्नी थी। तो मैं आपको बता दूँगा सिंपली आपको डरना नहीं है, है ना, घबराना नहीं है, आपको सिंपली पढ़ते रहना है और इंटरव्यू में कुछ नया नहीं होने वाला है। मैं आपको सही बताऊँ कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आपके इंटरव्यू में क्या होने वाला है, बट मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर BTECH प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इट शुड बी आपको प्रॉपर आपके तैयार होने चाहिए। सब्जेक्ट्स का तो ऐसा है कि अगर आप मैकेनिकल के हो तो आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा वहीं के कहीं रिलेटेड सब्जेक्ट्स को वो पूछ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कई कई ओल्ड IITs में क्या होता है कि आपसे थोड़े टफ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो आपको नहीं पता होता है, क्योंकि हम जनरली गेट के स्टूडेंट हैं, हम लोग गेट के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे होते हैं, हम कोई डीप थ्योरी और डीप रिसर्च के इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहे होते जनरली। ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, लाइक जनरली जो पीपल्स होते हैं वो रिसर्च के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहे होते, नॉर्मल नॉलेज के रिस्पेक्ट से पढ़ रहे होते हैं। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है MTECH प्लस PhD ड्यूल डिग्री आपके लिए। मैं IIT जोधपुर के MTECH इंटरव्यूज़ भी लेकर आऊँगा, मेरे कई दोस्तों ने वहाँ पर अप्लाई किया था और उन्होंने बहुत अच्छे उनका भी इंटरव्यू बहुत अच्छे गए हैं, अलग अलग कैटेगरीज में लेकर आऊँगा मैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट, बने रहिए, जुड़े रहिए अपने दोस्त सिद्धार्थ के साथ सिद्धार्थ लाइव चैनल पर। और इस वीडियो को जाने से पहले लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे मेल कर सकते हो आप मेरे FB इंस्टा और अनअकैडमी मुझे फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ। और मेरा दूसरा चैनल सिद्धार्थ पाठशाला है, वहाँ भी मैं कंटिन्यूस प्रिपरेशन कराता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो आप मुझे वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए अपने परिवार के साथ।